हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ये चीज़ शेयर करूँगा कि मैं अपना रिवीजन कैसे करता था, जिससे मुझे रिवीजन में कम टाइम लगता था और ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती थी, और फिर मैं प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दे पाता था, जिसकी वजह से मैंने कंसेप्ट और चैप्टर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता था, मेरी स्पीड और एक्यूरेसी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती थी। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। सो दिस टेक्निक इज़ नथिंग बट रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में बेसिकली हम तीन लेवल्स को देखेंगे, उसमें से सबसे पहला है बेसिक लेवल। आप एक लेवल के मास्टर करने के बाद ही दूसरे लेवल पे मूव कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक लेवल की बात करते हैं। तो जैसे कि मान लो आप कुछ रिवाइज करने वाले, कोई चैप्टर या फिर कोई टॉपिक कुछ भी, और आपने 1 आवर का टाइम स्लॉट निकाला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा देख रहे हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है कि 50 मिनट्स आपको रिवाइज करना है जैसे ही आप रिवाइज करते हो, और बाद में लास्ट के 10 मिनट्स में आपको बुक बंद करके रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या रिवाइज किया। तो आपको सबसे पहले रिकॉल कैसे करना है कि आपको सबसे पहले टॉपिक्स याद करने कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े टॉप टू बॉटम। फिर आपको पहले टॉपिक में मूव करना है और आपने याद करना कि आप में क्या क्या इलस्ट्रेशंस थे उसमें, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, नोट पॉइंट्स थे, उसको फटाफट रिकॉल करना है। फिर एक टॉपिक को आपको जितना याद आ जाए, उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आपको दूसरे टॉपिक में मूव करना है, वैसे आपको तीसरे में मूव करना है, वैसे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट आपको स्टार्टिंग में इसमें स्ट्रगल होगी, क्योंकि ब्रेन अभी अडेप्टेड नहीं होगा इतना अच्छे लेवल पर रिकॉल करने के लिए, लेकिन विथ प्रैक्टिस आप ये स्किल को मास्टर कर लोगे। बाद में आपको ऐसा लेवल आ जाएगा कि आप 10 मिनट में आपने जितना रिकॉल रिवाइज किया था सबको जो आपको अच्छे से याद है पूरा रिकॉल्ड हो जाएगा, और रिकॉल होने से आपकी ब्रेन की मेमोरी और आपका जो ये जो डेटा है वो ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, आपको भूलने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, रिटेनिंग बहुत अच्छे लेवल पर चला जाएगा आपका, और आपको रिकॉल करने की आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारे बेसिक लेवल। आपको 3-4 हफ्ते मिनिमम लगेगी इसको मास्टर करने में, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। तो इंटरमीडिएट लेवल ये आपने पहले बेसिक लेवल अच्छे से मास्टर कर लिया, बाद में इंटरमीडिएट लेवल में ऐसा करना है कि जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, आपने 3-4 पेज पढ़ लिए नोटबुक के या फिर जीकेसी के भी, फिर आपको फटाफट 1 या फिर 1.5 मिनट में रिकॉल कर लेना है टॉप टू बॉटम, वही तरीके से जैसे बेसिक लेवल में करते थे कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या टॉपिक्स पढ़े हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और वो टॉपिक के रिगार्डिंग कौन से इलस्ट्रेशन थे। इलस्ट्रेशन याद करना भी, रिकॉल करना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके टॉपिक की क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी आपके दिमाग में। तो आपको फटाफट 1.5 मिनट में रिकॉल करना है। अब ये स्पीड में रिकॉल करने में ही अभी भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने पहले बेसिक मैथ से मास्टर किया है तो आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन फिर विद प्रैक्टिस आपको ये जो रिकॉलिंग का टाइम है वो घट जाएगा, 1-1.5 मिनट 2 मिनट पे आ ही जाएगा। फिर आपको 3-4 पेज किए, फिर 2 मिनट रिकॉल किया, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे और 3-4 पेज करके फिर से वो 3-4 पेज जो आपने रिकॉल किया वो करना है, फिर ऐसे एक बार रिवाइज हो जाए, फिर आपको फिर से बुक बन के वो बेसिक मेथड वाला अप्लाई करना है। ये बिलीव में अगर आपको इसको भी मास्टर कर लेते हो तो आपका वो चैप्टर के कंसेप्ट थियरी आपको इस लेवल पे स्ट्रक्चरली बैठ जाएगी आपके दिमाग में कि आप भूल ही नहीं पाओगे उसको, आपका भूलने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी उसमें, आपका रिवीजन बहुत पावरफुल हो जाएगा और आपको कम टाइम भी लगेगा उसको रिवाइज करने में। इससे आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको कंसेप्ट तो वही लेवल पर याद रह जाएंगे, क्योंकि रिकॉल करने से ब्रेन की रिटेनमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपकी ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी, ब्रेन की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको कंफर्टेबली ही इसको करना है, आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं, जितना आप कर सको उतना करना है। और लेवल 1 भी आपने मास्टर किया, आप लेवल 2 नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स फाइन, लेवल 1 भी से भी आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपको इसको डेली हैबिट्स बनानी है, लेवल 1 को हैबिट बनानी है, फिर अगर लेवल 1 को मास्टर कर लिया फिर लेवल 2 को हैबिट बनानी है, लेकिन कंफर्टेबली वे में करना है, जिससे आपका ब्रेन की ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी, ब्रेन की ग्रेजुअली स्पीड बढ़ेगी, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा हेल्प मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू लेवल 3, फाइनल लेवल, एडवांस लेवल। और ये आपको तभी मूव करना चाहिए जब आपने लेवल 1 लेवल 2 अच्छे से कर लिया हो। मे बी आप लेवल 3 लेवल 2 को पैरेलली भी कर सकते हो, बट लेवल 3 में कैसा है कि जैसे कि आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है और आपको मॉडरेट लेवल पे आप पहले उसको कर चुके हो, अब थोड़ा बहुत आपको याद नहीं है, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको 10-15 मिनट मिल गई, उसमें आपको पूरा वही टेक्निक अप्लाई करनी है टॉप टू बॉटम। आपको याद करने कौन से टॉपिक्स थे, बाद में वो टॉपिक्स में कौन कौन से इलस्ट्रेशन से थियरी थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वैसे ही टॉप टू बॉटम पूरा चैप्टर को आपको बिना देखे कुछ करे रिवाइज कर रिकॉल कर लेना है बस। फिर आपको नोटबुक खोल के देख लेना है कि आपको क्या क्या याद नहीं आया। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, फिर आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन बिलीव में आपको अगर वो मॉडरेट लेवल या फिर थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड है तो आपको ये टेक्निक में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी और आपको फटाफट रिकॉल हो जाएगा और आपको इस चैप्टर को भूलने की टेंडेंसी फिर से और कम हो जाएगी। इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि आप सिर्फ थियरी रिवाइज ना करें और आप टेस्ट के क्वेश्चंस या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर आपने जो भी
मटेरियल की प्रैक्टिस की है, उसके अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए थे या फिर आपने बहुत स्ट्रगल की थी या फिर उसको मेथड आपको बहुत अच्छी लगी, आपको कोई दूसरी मेथड्स ऑल्टरनेट मेथड्स मिली हो जो बहुत अच्छी हो, तो आपको वो भी रिविजन में करना है और उसमें भी सेम मेथड अप्लाई करनी है आपको उसमें लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ग्रेजुअली मूव ऑन करके रिकॉलिंग की मेथड अप्लाई करनी है। तो इससे भी आपका वो टेस्ट के कंसेप्ट्स और मेथड्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी और फिर आपके जो कोई नई टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको स्ट्राइक, अगर सिमिलर मेथड्स का क्वेश्चन है तो आपको स्ट्राइक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही थी रिकॉलिंग टेक्निक, बट इसको मास्टर करने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मे बी 2-3 मंथ्स तो लगी जाएंगे इस लेवल 3 के एंड तक पहुंचने में या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। और आप जो लेवल तक पहुंच पाओ, हर एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काफ़ी बेनिफिट्स है। अगर आप सिर्फ लेवल 1 भी कर पाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे भी आपकी काफ़ी रिविजन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, इससे आपकी रिविजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाएगा, आप नॉर्मली रिवाइज करते थे उसके सामने इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, काफ़ी अच्छे लेवल पे आपके चैप्टर्स बिल्ड हो जाएंगे एंड आपको रिविजन में भी कम टाइम लगेगा इसको और आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे आपके एक से दो निशान हो गए, रिविजन में कम टाइम गया, रिविजन इफेक्टिव हो गया और आपके प्रैक्टिस को भी ज़्यादा टाइम मिला जिससे आपका चैप्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें टू स्टे ट्यून फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। अगर आपको ये जानना है कि टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देख लें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।